हाँ जी, इनकी डेफिनेशन जो है बेटा, चैप्टर फर्स्ट की जो सेट्स की डेफिनेशंस अच्छी तरह करोगे, वहां से भी बेटा हमारे तुम्हें बहुत सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बनते हैं या सेशन रीजनिंग क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। ओके, तो हाँ जी बेटा, तो मेरे पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है सेट्स पर बेस्ड, लेट अस डू दैट। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सेट इज अ डैश, ऑप्शंस दी हुई है। फर्स्ट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, मेरे पास जो है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, पहली ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन मेरे पास जो है दैट इज कलेक्शन ऑफ नंबर्स, वो कहते हैं सिर्फ कलेक्शन ऑफ नंबर्स ही है मेरे पास। थर्ड ऑप्शन मेरे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नाउ द डी ऑप्शन मेरे पास नन। मैं आपको वैसे बार बार बता दूं, बुक्स में नॉर्मली नन ऑप्शन इज देयर, बट बोर्ड के हिसाब से यस यस हिमांशु, वेट 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 बेटा, ओके बिल्कुल करेक्ट बोला, सी ऑप्शन इसका होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब हम सेट्स में जो है क्या करते हैं, जो कलेक्शन लेते हैं वो हमेशा वेल डिफाइंड होना चाहिए, ये नहीं कि उसमें आधी इंफॉर्मेशन। ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड हो या ना हो हमें कोई टेंशन नहीं, बट जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। इसीलिए ए और सी में कंफ्यूजन होती है बच्चों को, सी ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल हिमांशु करेक्ट है। नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है सेकेंड क्वेश्चन है, द सेट ऑफ रैशनल नंबर, द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज नॉर्मली डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू बी, कैपिटल आर सी, कैपिटल एन, और मेरे पास जो है डी दैट इज जेड मेरे पास। यस समृद्धि, यस बेटा बताइए। मैम ऑप्शन ए क्यू। बिल्कुल बेटा, रैशनल नंबर जो है हमेशा पी बाय क्यू फॉर्म जो होती है, और उसको किस सेट से नॉर्मली डिनोट करते हैं, दैट इज क्यू सेट से, बिल्कुल करेक्ट है। आर रियल के लिए होता है, एन नेचुरल नंबर के लिए, जेड इंटीजर्स के लिए। मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर भी कईयों में होता है, इंटीजर को आई से भी डिनोट कर देते हैं, कंफ्यूजन वाला हम डालते ही नहीं होते कभी। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट मेरे पास हो गए थर्ड क्वेश्चन। ये तो स्टार्टिंग में सेट्स के क्वेश्चन वैसे भी इजी बनते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज नॉट ए सेट, हमारे पास जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज नॉट ए सेट। पहला है द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 20 मेरे पास। नेक्स्ट बी ऑप्शन, द कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन x² - 5x + 6 इक्वल टू जीरो। थर्ड ऑप्शन, द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। डी ऑप्शन, द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटिफुल वुमेन इन जलंधर,
हाँ जी बेटा, अब बताइए इनमें से कौन सा ऐसा सेट है जो वेल डिफाइंड नहीं है। हाँ जी रिद्धि, यस बेटा रिद्धि। मैम डी ऑप्शन। बिल्कुल, ब्यूटीफुल वुमेन हर किसी की ब्यूटिफिकेशन का सोचने का नजरिया, कोई कहते हैं लुक वाइज ब्यूटीफुल होना चाहिए, कोई कहते हैं बाय हार्ट ब्यूटीफुल होना चाहिए हमें, तो दैट इज नॉट ए वेल डिफाइंड, क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी रैंक नहीं कर सकते, है ना। हर पर्सन की अपना थिंकिंग लेवल है कि ब्यूटीफुल उसके अकॉर्डिंगली, जरूरी नहीं है कि फेयर कलर वाले ब्यूटीफुल हो। कईयों के हम कहते हैं कि फीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, डार्क कॉम्प्लेक्शन भी हो बट स्मार्ट होता है तो हम कहते हैं कि वो बहुत ब्यूटीफुल है, इसलिए कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, बाकी सब में वेल डिफाइंड है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मेरे पास ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है। ओके बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा। अब बेटा सेट मेरे पास दो टाइप के होते हैं, अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस किए उसमें मेरे पास क्या था, सेट की डिफाइन डेफिनेशन हमने सेट की और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस किए। अब सेट की टाइप, बेसिकली हम सेट्स को ना पहले दो पार्ट्स में भी डिफाइन करते हैं, कैसे, एक तो होता है फाइनाइट सेट और एक होता है इनफाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेरे पास जो है डिफाइंड है उसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट, और जिसमें एंडलेस नंबर्स है मतलब हमें पता ही नहीं है। मैं जैसे कहूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये क्या है, इनफाइनाइट है, क्योंकि नेचुरल नंबर फिक्स है ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, एंडलेस है। लेकिन अगर मैं यही कह दूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, मैंने डिफाइन कर दिया एंड जो है, तो दैट मींस कि मेरे पास उस सेट में नंबर 1, 2, 3 सो ऑन अप टू 100, और इस सेट को लिखूंगी तो 1, 2, 3 सो ऑन, नो एंड एलिमेंट इज देयर, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अब उसने नीचे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एन इनफाइनाइट सेट, कौन सा मेरे पास जो है इनफाइनाइट सेट है, जरा ध्यान से देखना बेटा, मैं ऑप्शंस बोल रही हूँ। फर्स्ट, सेट ऑफ डिवाइजर ऑफ 24 के हमने डिवाइजर देखने। ओके नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल रियल्स विच लाइज बिटवीन 1 एंड 2, ऐसे रियल नंबर जो 1 और 2 के बीच में लाए करते हो। सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स लिविंग इन इंडिया, फिर नेक्स्ट है नन। हाँ जी बताइए कौन, हमने बताना है इनफाइनाइट सेट, बताइए पुलकित। पहला हमारे पास है डिवाइजर ऑफ 24, आप बताओ ये फिक्स है कि नहीं, डिवाइजर ऑफ 24 फिक्स है ना, 24 से ये कम नंबर आएंगे। सेकंड मेरे पास है सेट ऑफ रियल नंबर लाइज बिटवीन 1 एंड 2, इज इट फाइनाइट और इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है बिल्कुल, तो दैट मींस बी ऑप्शन इज देयर, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स है ना, रियल नंबर्स दैट लाइज बिटवीन द टू नंबर्स, और यहां दे दिया वो टू नंबर 1 और 2 है, तो 100% ये सेट क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ओके चलिए नेक्स्ट बेटा, मेरे पास हो गए, अब नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन पहले सेट्स के बारे में थोड़ा रिकॉल करते हैं, ठीक है। हमने फिर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ और सेट भी किए थे, नल सेट, जैसे मेरे पास ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आता, यूनिवर्सल सेट जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। फिर हमने जैसे दो नंबर्स को एड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे ही सेट्स के बीच में हमने कुछ ऑपरेशंस अप्लाई किए थे, वो कौन कौन से थे, सबसे पहले ऑपरेशंस ऑन सेट। हाँ जी, पहला बेटा ए यूनियन बी, आपको पता है इसमें कैसे एलिमेंट्स होते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी मेरे पास सच दैट, इसका क्या मतलब है, ये दिस इंप्लाइज कि एक्स ए को भी बिलोंग करता है और एक्स बी को भी बिलोंग करता है। अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं तो मेरे पास अगर ये ए है ये बी है तो यूनियन में ये सारा कुछ आ जाता है। ओके,
ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए आप लोगों को। आपको ये लिखा है और आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और उसमें ऑप्शन है एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है, अगर ए इंटरसेक्शन बी, तो अगर एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी है तो दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, मतलब दोनों में बिलोंग करना चाहिए बेटा, दोनों में। तो व्हाट डज इट मींस इफ आई ड्रॉ द वेन डायग्राम, मेरे पास हो गए ये वाला, क्लियर? ठीक है बेटा जी, अब इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, मेरे पास जो है आई एम रबिंग दिस, सिर्फ ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी की प्रॉपर्टीज, जिसे ए यूनियन ए, ए ही होता है, ठीक है जी। फिर मेरे पास जो है ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, यूनियन में बड़ा आता है और इंटरसेक्शन में कॉमन छोटी वाली चीज आती है, तो मेरे पास ये यूनिवर्सल सेट ही आता है। फिर ए यूनियन बी ले लो या बी यूनियन ए ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर? अब बेटा मेरे पास ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी ले लो या बी इंटरसेक्शन ए ले लो, मेरे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होती है, मेरे पास क्या करते हैं हम ओपन करते हैं, तो ए यूनियन बी जो है इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ओपन कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने नो डाउट आपको ए माइनस बी और कॉम्प्लीमेंट का बताया, मैं बार बार कह रही हूं कि आपको आना चाहिए, चाहे वो सिलेबस में नहीं है, बिकॉज इट हेल्प यू टू कैलकुलेट द वेन डायग्राम क्वेश्चन मोर इजी, आप उसको इग्नोर मत करो। नो डाउट ए माइनस बी और जो है ए कॉम्प्लीमेंट इज डिलीटेड, बट आपको उसका वेन, हाँ जी हाँ जी, वो उसी का पार्ट है, हाँ जी वो उसी का ही पार्ट है ना, बट मैं आपको ये कहती हूँ कि आप जरूर करो, उससे वेन डायग्राम क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं और आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, ठीक है जी। मैं थोड़ा सा इसीलिए बता रही हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, अगर एक ये वेन डायग्राम ए है, ए को छोड़ के हम ए कॉम्प्लीमेंट को नॉट ए भी कह देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको वेन डायग्राम में अगर नॉट ए कैलकुलेट करना आ रहा है तो आप उसको ये नहीं कहते हो कि ये कॉम्प्लीमेंट का पार्ट है, आपको क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि वेन डायग्राम में तो हम प्लस माइनस करके निकालते हैं ना, सो दैट्स व्हाई मैं नहीं कहती हूँ कि ये डिलीटेड है, सिलेबस में जरूर मेंशन है बट आप करोगे, ओके बेटा। फिर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो ए ही आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट को सी से भी लिख देते हैं, डैश से भी लिख देते, ओके। फिर बेटा मेरे पास यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाई होता है, फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है बेटा जी। फिर मेरे पास जो है अगर मैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करूं तो इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ओके। कई बुक्स में यहां कॉम्प्लीमेंट को ऐसे बार की तरह भी लिखा जाता है, वन इज द सेम, ठीक है। इसको भी जब आप करते हो ए बार इंटरसेक्शन बी बार, यूनियन है तो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है, इंटरसेक्शन है तो बेटा किस में चेंज हो जाता है, यूनियन में चेंज हो जाता है, डी मॉर्गन लॉ का पार्ट, ओके बेटा क्लियर। चलिए अब बेटा अगर मैं कहती हूं ए कंटेन्ड इन बी, तो दैट मींस कि ए इसका सबसेट है, कंटेन मींस सबसेट, सबसेट भी वही होता है, मतलब अगर मेरे पास सेट बी में मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 है, तो ए के में कुछ एलिमेंट्स हो,
कुछ एलिमेंट्स। और मैंने जो सबसेट की बात कही थी कि हमने वो किया था, तो वहां पर वो गलत ही क्वेश्चन था, मैंने डिस्कस भी करना था जब हमने कहा था कि ए सबसेट होता है बी का, या रिलेशन वाला क्वेश्चन था कि रिलेशन जो है वो सबसेट होता है कार्टीजन प्रोडक्ट का, ये क्वेश्चन था हमारा। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टीजन प्रोडक्ट। तो बेटा सबसेट में जो है आर, वो प्रॉपर सबसेट भी होता है और कंटेन्ड भी होता है, तो मतलब वहां इक्वल टू भी आना चाहिए। वहां ऑप्शंस गलत दी हुई थी बुक में, अगर आपको याद हो मैंने ये बात डिस्कस भी की थी, ठीक है। तो ये मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ रिलेशन का, जो याद आ गया सबसेट से, आप सबको बताना था। यहाँ इक्वल टू भी आ सकता है, कई बार सारे के सारे एलिमेंट भी कंटेन्ड होते हैं ना इसी, ठीक है। चलिए, तो यहां मैं बता दी थी सबसेट की बात मेरे पास। अब यहां क्लियर कट, ए इज कंटेन्ड इन बी, ये प्रॉपर सबसेट है, दिस इज प्रॉपर सबसेट। ओके, जब इक्वल टू नहीं होता उसे हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। क्लियर बेटा, ठीक है जी। अब बेटा मेरे पास जो है यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने ऑलमोस्ट सारा पार्ट उसका डिस्कस कर दिया, और जितने भी बुक के प्रूफ वाले क्वेश्चन है उसका रिजल्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रूफ वाले क्वेश्चंस के रिजल्ट्स यू हैव टू लर्न दैट, क्योंकि वहां से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। ओके, तो हम डिस्कस भी करेंगे, पहले ये खत्म करें। अब चलिए नेक्स्ट मेरे पास हो गए, इफ ए इज एनी सेट, ए इज एनी सेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ओके, फर्स्ट phi इज अ सबसेट ऑफ ए, ए इज अ सबसेट ऑफ ए, हाँ जी सी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन डी मेरे पास ए इज अ सबसेट ऑफ मेरे पास जो है 2A। अब वैसे मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल ट्रू है, एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट होता है। यहां पर भी देखिए मिस्टेक है बुक में, यहां इक्वल टू आना चाहिए, क्योंकि पूरा ए जो है वो अपने ही सबसेट का होता है ना। रिद्धि वेट बेटा, ये भी तो एम्प्टी सेट ही हो गया ना, पाई मींस एम्प्टी सेट, ये भी कंटेन्ड होगा। तो ये ऑप्शन तो कभी हमने सुनी नहीं कि कोई भी सेट जो है वो 2 की पावर ए सेट का कंटेन्ड होता है, दैट इज नॉट ट्रू, तो दिस इज रॉन्ग। ओके, क्लियर? यस रिद्धि, कुछ पूछना तो नहीं बेटा? रिद्धि एनीथिंग यू वांट टू आस्क? ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट। बेटा मेरे पास जो है देखिए, अभी मैंने ये करवाया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ए ऑप्शन, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सी ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, डी मेरे पास वो है नॉट। हाँ जी बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अदिति, बाकी बच्चों ने क्यों नहीं पार्टिसिपेट करना बेटा? अदिति अनम्यूट योरसेल्फ, अदिति, हाँ जी जपन, यस बेटा, यस जपन, बी पार्ट, बिल्कुल बी पार्ट। ओके चलिए बेटा नेक्स्ट। बेटा मेरे पास जो है क्वेश्चन देखिए, लेट अस सी, इफ ए एंड बी आर द टू सेट्स ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। एक बार पहले मैं ए माइनस बी बता दो, बी माइनस ए, सी ए माइनस बी यूनियन मेरे पास बी माइनस ए एंड डी नन, वो तो देखने की जरूरत ही नहीं है ना। सबसे पहले जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन आए ना, वेन डायग्राम से आप सोचिए जरा, लेट अस सी कि पहले इसका क्या हो सकता है। उसने कहा ए यूनियन बी,
एक, ये दो, ए यूनियन बी, यूनियन में ये सारे आ गए, उसमें से इंटरसेक्शन माइनस कर दो, यानी ये खत्म कर दो, यही हुआ ना, एक ये और एक ये वाला पार्ट। चलो अब देखते हैं ए माइनस बी, अगर मैं ए माइनस बी देखूं वो तो होता है ए बट नॉट बी, मतलब अकेला इतने वाला पार्ट, एम आई राइट। बी माइनस ए देखूं तो कितने वाला पार्ट होता है, इधर वाला है ना, बी में जो ए नहीं आता। अच्छा अगर ये देखूं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, एक इतने वाला यूनियन इतने वाला, यही पार्ट होगा ना, तो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट। तब आप ये नहीं कह सकते कि मैम माइनस वाला डिफरेंस इज नॉट इन द सिलेबस, प्लीज दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप करोगे। मैं फिर बता देती हूँ, ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से, अगर ये ए है ये बी है, ए में से बी वाला पार्ट निकाल दो जो बच गया, दैट इज माई आंसर। ओके बेटा क्लियर, चलो आगे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब ध्यान से, सेट्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। इलेवेंथ मेरे पास, जीरो कंटेन इन एम्प्टी सेट, बी मेरे पास होंगे जीरो इज अ सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट, मेरे पास जो है सी जीरो कंटेन्ड इन द सेट विद जीरो एलिमेंट, डी जीरो कंटेन्ड इन सेट जीरो। हां जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बी ट्रू है, डी ट्रू है, कैसे ट्रू है, ये हमेशा एक सेट ही सेट में कंटेन्ड होता है बेटा, दिस इज नॉट ए सेट, दिस इज एलिमेंट। ये चीज मैंने आगे भी आप लोगों को बताई थी। यस समृद्धि, यस यस एम ऑप्शन सी, यस, एक एलिमेंट एक सेट को बिलोंग करता है हमेशा, अगर जो सेट होता है ना वो कंटेन्ड होता है ना, जीरो अंदर कोई सेट नहीं है, अगर ये ऐसे होता ना ऐसे, तो मैं ये ट्रू कहती। ओके, ये चीज याद रखो, एलिमेंट बिलोंग करता है सेट, सेट में कंटेन्ड होता है। ओके, बस ये लॉजिक याद रखो, कभी भी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब नीचे में से कौन सी ऐसी वैल्यूज है जो ट्रू नहीं है मेरे पास, वो है तो दैट क्वेश्चन इज जीरो कंटेन्ड इन द सेट जीरो, देन जीरो बिलोंग टू दिस सेट फाइव कंटेन्ड इन, जीरो कंटेन्ड इन, हां जी कौन बताएगा इसमें से, अर्शदीप, अर्शदीप सिंह, बाकी बच्चे बेटा क्यों नहीं हैंड रेज करते yes, हैं। हाँ जी अर्शदीप मुझे बताइए, विच ऑफ दीज जो है इज नॉट ट्रू। जल्दी जल्दी अर्शदीप। मैम बी, आप कह रहे हो बी ऑप्शन, देखो ये अगर हम बी ऑप्शन कह रहे हैं जीरो बिलोंग, हाँ जी डी बिल्कुल करेक्ट है, यस मैम डी इज 100% करेक्ट, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो बेटा। हाँ जी, नाउ नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है क्वेश्चन है, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 13। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ बेटा, देखिए सेट ए दैट कंटेन्स एलिमेंट 1 3 5, सेट बी दैट कंटेन्स एलिमेंट 2 4 6, सेट सी 0 2 4 6 8, विच ऑफ द फॉलोइंग, लिसन द क्वेश्चन केयरफुली, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर एज अ यूनिवर्सल सेट फॉर थ्री ऑफ दी सेट्स ए बी सी।
देखो ये एज इट इज क्वेश्चन था आपकी एनसीईआरटी में, तो उसने कहा कि कौन सा ऐसा सेट है जो यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करेगा मेरे पास ऊपर वाले सारे क्वेश्चंस के लिए, सेट्स के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और डी ऑप्शन जो गए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ जी कौन सी ऑप्शन है मेरे पास? हाँ जी बाकी बच्चे भी बेटा क्या करते हो? असीस, ओके, युवराज, यस बेटा बताइए। डी, बिल्कुल करेक्ट है बेटा डी, क्योंकि उसमें सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है जी, गुड। चलिए नेक्स्ट मेरे पास जो है, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 मेरे पास जो है, द सेट एक्स बिलोंग्स टू आर, 1 <= x> <2> मे बी रिटर्न एज, कैसे लिख सकती हूँ? हाँ जी 1, 2 देन बी 1, 2 विद क्लोज ब्रैकेट, हाँ जी 1, 2 और डी ऑप्शन 1, 2। हाँ जी हरी आप जस्ट रेज योर हैंड, हाउ कैन वी राइट द अबव जो है? हाँ जी गुरजोत, गुरजोत अनम्यूट योरसेल्फ। ओके तरुण, यस बेटा तरुण, ए ऑप्शन। हाँ जी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है, यहाँ इक्वल टू है तो ए ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट। ठीक है 100% करेक्ट बेटा। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, ये बहुत इजी चैप्टर है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर मेरे पास हो गए 15, सेट ए 1, 2, 3, 4, 5 देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट मेरे पास हो गए, 3, 4 belongs to set A। हाँ जी मेरे पास जो है next 3, 4 is contained in set A। See 3, 4 contained in set A। D मेरे पास 3, 4 belongs to set A। जल्दी सोचिए, मैन्यूट मैन्यूट थिंग्स हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस बहुत जो हैं हमारे थिंकिंग लेवल को राइज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, सॉरी मेरे पास दो ऑप्शन भी हो सकती हैं। ओके जल्दी जल्दी बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट मेरे पास? हाँ जी काव्या, यस यस काव्या। मैम बी, बी नो, डी भी इनकोरेक्ट है, ए भी, सी भी इनकोरेक्ट है बेटा। क्यों? ये एलिमेंट आ गया, देखो मैं ये एलिमेंट है ना यहाँ पूरा, मैंने आगे भी बताया था एलिमेंट कभी किसी का सबसेट नहीं होता, कंटेंड नहीं होता, सेट होता है। तो वो देखो ये सेट कंटेंड किया ना इसमें डबल ब्रैकेट डाल के, ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, ये सबसेट कंटेन है, ये दोनों ट्रू नहीं। पता चला बेटा सबको? है मिन्यूट मिन्यूट थिंग्स बेटा, बट प्लीज सी इट केयरफुली। देखा बेटा सबने? क्लियर? चलिए और क्वेश्चन करते हैं, लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 16 मेरे पास हो गए, सेट दिस, अब जरा ध्यान से देखना,
ए इंटरसेक्शन, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, सी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, और साथ में मेरे पास जो है इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। सॉल्व इट, बेस्ट तरीका होता है वेन डायग्राम से करना, बेस्ट तरीका। जल्दी जल्दी वेन डायग्राम बना के आप मुझे बताओगे कि ये किसके इक्वल है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। जल्दी जल्दी वेन डायग्राम बनाइए फटाफट। आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, आप क्वेश्चन से भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है बेटा, इट इज अप टू यू। मेरे को वेन डायग्राम से बनाने में इजी लगता है। हाँ जी, जल्दी बेटा, ऑल ऑफ यू ट्राई टू मेक इट। चलिए तब तक मैं बनाती हूं इधर। सबसे पहले मेरे पास ए यूनियन बी यूनियन सी ऑब्वियस है। मेरे पास यूनियन मतलब ये सारा सर्कल, सारा आ गया ए बी सी, ओके जी। अब इंटरसेक्शन मेरे पास जो है किसके साथ लेना है, आपकी मर्जी है। आप इसका इंटरसेक्शन पहले कॉम्प्लीमेंट ओपन भी कर सकते हो, नहीं करना तो जो इसका आंसर है उसको छोड़ के बाकी सारे, ठीक है। We will do it tomorrow, क्योंकि टाइम हो गया है बेटा नेक्स्ट पीरियड का। आप ट्राई करना, नहीं तो कल हम डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड मेरा बेटा टेक